हमीरपुर जनपद के राठ में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल के नेतृत्व में झांसी से कमेरा चेतना पदयात्रा निकाली जा रही है। नगर के रामलीला में आयोजित जनसभा में अपना दल अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य कामगार, किसान, मजदूर, छात्र, युवा सहित हर समाज व हर जाति के लोगों को उनका हक दिलाना है। इस यात्रा के माध्यम से एक विशाल आंदोलन का आगाज किया जा रहा है। यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी ने कहा कि मेरा समाज में सभी कामगार आते हैं जिनकी बात कोई नहीं सुनता। यात्रा के माध्यम से हर तबके को जागरूक कर उनके अधिकारों की आवाज बुलंद करना है। शिवशरण कुशवाहा ने कहा कि 17 अक्टूबर को झांसी से शुरू हुई पदयात्रा का 7 जनवरी को लखनऊ में समापन होगा। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष दुष्यंत राजपूत, हरिशरण राजपूत, डॉक्टर चंद्रपाल कौशल, राम सिंह, जितेंद्र कुशवाहा, मनोज मौर्य, हामिद खान आदि मौजूद रहे। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए। ये इसका क्या उद्देश्य है? कमेरा चेतना पदयात्रा लेकर हम निकले हैं और इसका उद्देश्य है इस देश के कमेरा, किसान, मजदूर, कामगार, मेहनत करने वाले हर तबके, हर समाज, हर जाति के लोगों को उनका न्याय दिलाना, हक और अधिकार से भरपूर करना और इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर देना कि उनकी आवाज अनसुनी ना करी जा सके। परमानंद जी, पंडित परमानंद जी, दीवान शत्रुघ्न सिंह को प्रणाम करता हूँ कि राठ की विराट नगरी है। माननीय पल्लवी जी पटेल जी, माननीय कुशवाहा जी, इनको यात्रा निकालना थी और ये यात्रा का प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा था, सुनते जाइए आप, चल रहा था। लेकिन पल्लवी जी से मैंने कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जिन्होंने कमेरा समाज की बात की थी, हर पार्टी तो कोई ना कोई बात करती है, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपना दल बना करके कमेरा समाज बना की बात की थी। वो कमेरा समाज कौन है? कमेरा में किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है, पत्रकार भी है, छात्र भी है, जो काम करता है कमेरा, नौकरी करने वाला, वो भी कम, तो कमेरा समाज की कोई बात नहीं है। अभी किसानों का बिल आया, कोई पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, ना संसद में पास हुआ, एक तो बनाया गया। तो जब तक हम जानकारी नहीं लोगों को दिलाएंगे, और ये किसान चेतना पदयात्रा है कमेरा, डॉक्टर सोनेलाल जी पटेल जी का प्रमाण दिवस था और झांसी से स्टार्ट किया गया। क्यों झांसी से स्टार्ट किया? कि जब देश गुलाम था तो बहुत सारे इस देश में राजा थे और बहुत सारे राजा अंग्रेजों की गुलामत भी करते थे, उनके मिलकर चलते थे, लेकिन रानी झांसी और झलकारी बाई ने कहा था कि हम अपनी झांसी नहीं देते और लड़ते लड़ते शहीद होते। तो पल्लवी पटेल जी ने 17 अक्टूबर से वहाँ से स्टार्ट किया था और यात्रा चलते चलते डेली 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। इसका समापन कहाँ होगा विधायक? इसका समापन लखनऊ में होगा। अभी हमारी पल्लवी जी ने बताया कि किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, युवाओं को, उनको हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, जो झांसी से 17 अक्टूबर को शुरू हुई और 7 जनवरी लखनऊ में समाप्ति होगी। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हमारे साथ इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम किसानों की, गरीबों की, दलितों की, बैकवर्ड की, माइनॉरिटी की, सभी समाजों की आवाज़ बन सके और उनको न्याय मिल सके। जन अधिकार पार्टी नहीं, देखिए ये सारे काम आगे चलकर चुनाव में आम जनता को जगाने का काम करेंगे। और निश्चित है कि जिस तरह से सरकार वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार बीजेपी की है, छात्र विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, और जिस तरह से उन्होंने किसानों के विरोध में बिल पास किया है, ये सारे लोगों को इसका एहसास हो चुका है और सारे लोग हम लोगों के साथ आएंगे। जिला संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।